खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर प्रतिभा पाल इन दिनों एक्शन मोड पर हैं और लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं करने वालों पर सख्त कार्यवाही करती नजर आ रही हैं। ताजा मामले में कलेक्टर ने दो समिति प्रबंधकों और स्व सहायता समूह अध्यक्ष को नोटिस थमा दिया है। बता दें कि धान उपार्जन के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके कारण कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन आधार पर दो खरीदी केंद्र प्रभारी एवं समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जारी अलग अलग नोटिस के अनुसार समिति प्रबंधक विपणन सहकारी समिति सिमरिया के खरीदी केंद्र सतगुरु वेयर हाउस सिमरिया का निरीक्षण करने पर कई अनियमितताएं पाई गईं। खरीदी केंद्र में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं मिली। धान की बोरियों की रैंडम तौल करने पर मानक से कम मात्रा में धान पाई गई। भंडारण के लिए तैयार बोरे में लगे टैग पर किसान का पंजीयन कोड अंकित नहीं पाया गया। धान की खरीदी केंद्र के स्थान पर गोदाम के अंदर संपन्न की जा रही थी। इसी तरह सेवा सहकारी समिति भमरा द्वारा उपार्जन केंद्र सदगुरु वेयर हाउस सिमरिया का निरीक्षण करने पर भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। खरीदी केंद्र परिसर में 6000 क्विंटल उपार्जित धान की बोरियां बिखरी हुई पाई गईं। इनकी टैगिंग नहीं की गई थी। केंद्र में तौल के लिए लगाए गए उपकरणों में नाप तौल विभाग का सत्यापन भी नहीं पाया गया। बोरियों की रैंडम तौल में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में धान पाई गई। इन सभी को गंभीर अनियमितता तथा उपार्जन नीति की कंडिकाओं का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का 3 दिन की समय सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर संबंधित समिति को उपार्जन से ब्लैकलिस्ट करने, संस्था को प्राप्त होने वाले मूवमेंट व्यय में कटौती तथा अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार समर्थन मूल्य में धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के साथ साथ स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया गया। उपार्जन की अवधि में जिला स्तरीय अधिकारियों ने खरीदी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्व सहायता समूह में गंभीर अनियमितताएं देखने में सामने आई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार 17 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा खरीदी केंद्र पथराहा का निरीक्षण किया गया। इनका संचालन जय रोशन स्व सहायता समूह पथराहा द्वारा किया जा रहा था। निरीक्षण में पाया गया कि खरीदी केंद्र निर्धारित स्थल पथराहा में नहीं बनाया गया है, उसके स्थान पर ग्राम महुआ में खरीदी की जा रही थी। खरीदी केंद्र में बिना सूचना दिए मनमाने तरीके से परिवर्तन करने पर समूह के अध्यक्ष तथा खरीदी केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर समूह को ब्लैक लिस्टेड करने, जमा की गई सुरक्षा निधि 10 लाख रुपए को राजसात करने तथा अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खरीदी केंद्र जी ये टीहरा कितने की तौल ले रहे हैं? 41 की साहब। 41 किलो के जी। तो आपने इनको बताया नहीं? बताया तो नहीं, काटे की तुम्हारी धान देख लीजिए तो धान खराब है, अब वापस ले जाओ। समिति प्रबंधक से आपने बात नहीं की इसके लिए? नहीं की साहब। कहाँ से आए हैं? हम कुशवाहा से। कुशवाहा से आए? क्या नाम लिखते हैं? सुरेंद्र प्रताप। सुरेंद्र प्रताप जी, कितने धान, कितनी धान होगी आपकी? ये हमारे तो बहुत बड़े मनाई उन्होंने 3-41 धान नहीं आ रही। अच्छा, 41 किलो की तौल ले रहे हैं आपसे।